हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो कि समझ नहीं पाते हैं कि आप लोगों को तैयारी कब क्विट करना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए ही है, उन जैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका इम्प्रूवमेंट उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है, या तो ऐसा हो चुका है ना कि अब उनका उम्र का जो सीमा है वो भी खत्म होने वाला है लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भैया, अब हम तैयारी छोड़ दें, किसी और काम को ढूंढने की कोशिश करें कि नहीं, अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए जो अर्निंग प्रोस्पेक्ट है लाइफ का उसके लिए, मतलब कि वो लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा जवाब है, मेरा एक छोटा सा जवाब है। जवाब क्या है एक्चुअली, आप ही किसी सवाल है, आपसे मैं सवाल करने वाला हूँ। आप लोग ऐसा देखे होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आप लोग ऐसा सवाल पूछते होंगे कि हाँ सर या हाँ मैम, मेरा तो मतलब इतना मार्क्स से रह गया, इतना स्कोर से मेरा रह गया, इस बार मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, अब मेरे पास इतना टाइम बाकी है, क्या मैं आगे प्रिपरेशन करूँ नहीं करूँ। तो उन सब टीचर्स का जो जवाब रहता है ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही गलत जवाब देते हैं। वो जवाब ये देते हैं कि नहीं, अगर आप लोगों का ऐसा है, आप लोगों का अगर इतना मार्क्स आया है तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोग दूसरों से कितना आगे हैं, बिगनर से कितना आगे हैं, अगर आप लोग जीरो से यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आगे आने वाले समय में आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप लोगों का एग्ज़ाम तो ज़रूर निकलेगा। अब इसके ऊपर मेरा एक जवाब, भाई एक दिन आपका एग्ज़ाम तो ज़रूर निकलेगा, सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, जब आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो क्या वहाँ पर आप लोगों को एज क्राइटेरिया देखने को मिलता है, उम्र का सीमा देखने को मिलता है? वो क्यों रहता है कि भैया आप लोग मतलब सोच लीजिए कि आप लोगों को कब तक तैयारी करना है, कब तक फॉर्म को भरते रहना है, और कब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए डिसीज़न ले लेना है कि हाँ भैया अब तैयारी बहुत हुआ, अब चलो हम लोग कुछ और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सबका नहीं होगा। अब जो भी टीचर ऐसा आप लोगों को सजेशन देते हैं कि हाँ आप लोग लगे रहिए, कहीं ना कहीं वो अपने तरफ से सही हैं। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है ना जिनका सिलेक्शन मतलब कि आने वाले कुछ समय में हो जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा ना, क्या उनका जो घर है, उनका जो ज़िंदगी है, क्या वो टीचर्स आके चलाएंगे? वो आपको खाना खिलाएंगे? वो आपको पालेंगे? एक बार आप लोग खुद से सोच कर देखिएगा, या तो उन टीचर से ही ये सवाल कर दीजिएगा कि सर आप जो मतलब मुझे बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग लगे रहें, गिव अप ना करें, इतना जल्दी गिव अप ना करें, जल्दी गिव अप ना करें का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से जल्दी ना गिव अप करने का मतलब होता है 1 से 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उसके बाद क्या, कब तक मतलब बूढ़ा हो जाएगा भाई, मतलब बूढ़ा हो जाएगा तब तक तैयारी करोगे? भाई सुनो, सिंपल सा बात है, कोई भी टीचर वगैरह तुम्हारा घर द्वार नहीं चलाएगा, कोई भी नहीं, बोलने के लिए आपको कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी नहीं चलाएगा। ये टीचर्स होते क्या है ना, ये आप लोगों को बहुत ही घिसा पीटा, जो बहुत ही सदियों पुराना जो एग्जाम्पल है ना, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह का, या और भी कुछ ऐसे रहे हैं कुछ वैज्ञानिक लोग या कुछ ऐसे फेमस पर्सन जिनका कुछ फेमस कोट्स वगैरह है, वो आप लोगों को मतलब आपके मुंह पे ऐसे फेंक के मारेंगे कि हाँ लो भैया ये सुनो, जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? सबका लाइफ एक जैसा नहीं होता है, सबके लाइफ का जो प्रायोरिटी होता है वो भी एक जैसा नहीं होता है, सबके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो भी सेम नहीं होते हैं, कॉमन हो सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता है। और अगर सेम भी होगा तो 10 में से 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम सेम होगा, बाकी का जो 4 या 5 रहेगा ना वो डिफरेंट होगा, अलग होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप लोगों को सोचने का ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैच्योर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। किसी भी टीचर का भी बात जो है ना, वो हर बार टीचर का बात सुनना जायज़ नहीं होता है, वो बेवकूफ़ी कहलाता है, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप लिंक मिलेगा, मतलब कि एक टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोग अपना पर्सनल क्वेरी जितना भी होता है आप लोग मुझे वो क्वेरी को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पर्सनल वहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है?